हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अक्षय, स्वागत करता हूँ आपका टेक बी शुडुक चैनल पर। आज के सेशन में 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ। 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, 5G फोन खरीदते वक्त आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, 5G वेव्स के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सारी ही बातें इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम लोग कुछ समय से डेटा ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के समय में फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। इंटरनेट का पूरा फाउंडेशन इसी फाइबर ऑप्टिक केबल पर निर्भर है। लेकिन वायरलेस डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंसानों ने सेलुलर नेटवर्क को जन्म दिया। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, 1979 में जापान के टोक्यो में पहला सेलुलर नेटवर्क विकसित किया गया, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क या फिर 1GB कहते हैं। 1G के कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि पुअर वॉइस क्वालिटी और लो डेटा ट्रांसफर, और कुछ सिक्योरिटी रीजन भी थे। इसकी वजह से हमें 2G पर शिफ्ट होना पड़ा। सेकंड जनरेशन ऑफ नेटवर्क या फिर जिसे हम 2GB कहते हैं, यहाँ पर मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी यूज होती थी, TDMA या फिर CDMA। इसमें SMS और इंटरनेट ब्राउजिंग की सुविधा चालू हो गई थी। उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ नेटवर्क आया, जिसे हम 3GB कहते हैं। यहाँ पर WCD नाम की मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी यूज होती थी। यहाँ पर हमें हायर डेटा ट्रांसफर देखने को मिल जाता था। उसके साथ ही 2 MB पर सेकंड की स्पीड मिलती थी। उसकी मदद से हम GPS, वीडियो कॉल्स और वॉइस कॉल कर पाते थे। उसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ नेटवर्क आया, जिसे हम फिलहाल यूज़ कर रहे थे। 4G में हमें 20 MB पर सेकंड से लेकर 100 MB पर सेकंड की स्पीड देखने को मिलने वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किनको इतनी स्पीड मिलती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाई रिजोल्यूशन मूवीज और वीडियो कंजम्पशन बहुत बढ़ गया था। 4G में OFD नाम की मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी और MIMO टेक्नोलॉजी यूज होती है। आगे MIMO टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं 5G के बारे में। 5G में हम ऐसी चीज़ें कर पाएंगे जो 3G और 4G में नहीं कर सकते थे, जैसे कि 4K वीडियो स्ट्रीम करना, IoT टेक्नोलॉजी मतलब स्मार्ट होम जैसी चीज़ें, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, स्मार्ट सिटीज जैसी चीज़ें। उसके साथ ही रिमोट सर्जरी मतलब डॉक्टर कहीं और होगा और वो वहाँ से पेशेंट की सर्जरी कर पाएगा। उसके साथ ही सेल्फ ड्राइविंग कार मतलब कार आपस में बातें कर पाएंगी, कम्युनिकेट कर पाएंगी और हमें ड्राइवरलेस कार का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। फास्ट गेमिंग और क्लाउड गेमिंग का भी मजा उठा पाएंगे हम लोग। 5G के क्या बेनिफिट्स होने वाले उसके बारे में बात करते हैं। 5G आने के बाद हमें हाई बैंडविड्थ मिलेगी, लो लेटेंसी मिलेगी। उसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्स टाइम एकदम कम हो जाएगा। आप हमारे किसी वीडियो को देखना चाहेंगे तो वो एकदम फटाक से लोड हो जाएगा। 5G में हमें 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी देखने को मिलती है। 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी अचीव करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि US की होराइजन नाम की कंपनी ने अपने 5G नेटवर्क के साथ बस 30 मिलीसेकंड की लेटेंसी अचीव कर पाई है। उसके साथ ही 5G नेटवर्क के साथ आप फुल HD वीडियो कॉलिंग, लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस और डेंस कनेक्शन एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि कम एरिया में ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड रह पाएंगे। अब बात करते हैं इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में। जहाँ पर 4G में हमें 600 MHz से लेकर 6 GHz तक की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती थी, वहीं पर 5G में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 24 GHz से लेकर 86 GHz तक देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। 1 Hz मतलब 1 सेकंड में 1 वेव आपके पास आ रही है, 10 Hz मतलब 1 सेकंड में 10 वेव्स आपके पास आ रही हैं, और 24 GHz मतलब 24 बिलियन वेव्स 1 सेकंड में सेलुलर टावर से आपके पास आ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। हम जो अभी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ओवर क्राउडेड हो चुकी है। यहाँ पर पहले से ही वेदर रडार, मिलिट्री, टेलीविजन, GPS, रेडियो एस्ट्रोनॉमी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं। इनको काम करने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी लगती है। इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है। हर जनरेशन में टेलीकॉम कंपनीज को अपने यूजर्स के लिए फ्रीक्वेंसी खरीदनी पड़ती है। इन फ्रीक्वेंसी का ऑक्शन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज बोली लगाती है। जो ज़्यादा बोली लगाती है उनको फ्रीक्वेंसी अलॉट की जाती है। हाल फिलहाल में ही रिलायंस जियो ने 4G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में हुआ, जिसमें रिलायंस जियो ने 5,77,123 करोड़ की 800, 1800 और 2300 MHz की बैंड खरीदी है। यहाँ पर 5G में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये मिलीमीटर वेव्स हैं जिनकी ट्रैवलिंग रेंज बहुत कम होती है, जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट इनके लिए दिक्कत बन सकता है, यहाँ तक कि बारिश का पानी भी।
अगर आप सोच रहे होंगे कि आप अपने घर में बैठ के 5G का मजा उठा पाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके घर के दीवारें इनके लिए दिक्कत बन सकती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए टेलीकॉम कंपनीज को हर जगह स्मॉल सेल्स खड़े करने पड़ेंगे। जहां 4G में बस एक ही टावर सारे सिटी के लिए काफी होता था, वहीं 5G में सारे सिटी को कवर करने के लिए स्मॉल सेल्स खड़े करने पड़ेंगे। जब 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तब नेटवर्क का एक जाल बन जाएगा, हर जगह हमें स्मॉल सेल देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारे जैसे बड़े देश में यह टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन काम है। पहले तो 5G टेक्नोलॉजी कुछ गिने चुने मेट्रो सिटीज में आएंगी, 3-4 सालों में सारे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन मुकेश अंबानी जी ने एक आश्वासन दिया है कि सितंबर 2021 तक वो 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च कर देंगे। 5G टेक्नोलॉजी में मैसिव माइमो नाम की टेक्नोलॉजी यूज होती है। माइमो का मतलब है कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। मल्टीपल इनपुट लेने के लिए या फिर मल्टीपल आउटपुट भेजने के लिए हमें मल्टीपल ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाने पड़ेंगे। हमारे स्मॉल सेल में एंटीनास की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ही स्मॉल सेल में एंटीनास की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, वैसे ही 5G फोन में भी एंटीनास की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। जहाँ हमारे नॉर्मल फोन में एक एंटीनास लगता है, वही 5G फोन में 4 एंटीनास लगते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, वेव्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वेव्स की डेंसिटी बढ़ने की वजह से वेव्स आपस में कंबाइन होकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी, और कुछ वेव्स आपस में कंबाइन होकर कैंसल आउट हो जाएंगी। इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ये शायद आपने 12th में पढ़ा होगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगेन न्यू टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है, जिसका नाम है बीम फॉर्मिंग। नाम से सब कुछ समझ में आ जाता है। जैसे बीम यूनिडायरेक्शनल होती है, वैसे ही नेटवर्क को डिवाइस की तरफ डायरेक्शनलाइज किया जाएगा। मतलब वेव्स को हर डायरेक्शन में भेजने की जगह जिस डिवाइस को उसकी ज़रूरत है उसी डायरेक्शन में भेजा जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अब आपके काम की बात बताता हूँ। 5G फ़ोन खरीदते वक्त आपको क्या देखना चाहिए। हमने खरीद लिया OnePlus Nord 5G, जो बस एक ही बैंड को सपोर्ट करता है। 5G नेटवर्क आने के बाद आपके कॉल ही नहीं लगेंगे, क्योंकि वो एक ही बैंड को सपोर्ट करता है। आपको ऐसा फ़ोन खरीदना चाहिए वो जो मल्टीपल बैंड को सपोर्ट करता हो। इसका मतलब ये है कि जब कोई डिवाइस एक बैंड को यूज़ कर रहा होगा, तब आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा दूसरे बैंड पर जिस बैंड को वो सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपका डिवाइस एक ही बैंड को सपोर्ट करेगा, तब आप 5G फ़ोन लेकर भी 5G का मज़ा उठा नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं 5G के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप आज 5G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आज ही साइड इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन 10-20 सालों में ब्रेन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ठोस रिसर्च अवेलेबल नहीं है, इसलिए कुछ बता नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी 5G के बारे में मेरी तरफ से जानकारी। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।